बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन्स एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेटिव स्टेबिलिटी का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है, इट मीन्स कि वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल है और वो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं करना चाहता, वो स्टेबल है। ओके, एंड व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव? रिलेटिव का मीनिंग है कि हम कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी को किसी दूसरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के साथ कंपेयर करके डिस्कस करेंगे। हम इंडिविजुअली जो है एक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, सो देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑन विच द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड्स। नंबर वन, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड कॉन्जुगेशन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हाईली अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, सो द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स डिक्रीजेज एज tetraalkylated alkenes are highly stable than tri and di and monosubstituted alkenes are very less stable. Okay students, ab hum yahan pe zara structures draw kar lete hain. This is tetraalkylated alkene. ये देखिए, आपके पास आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है और इसके साथ फोर अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, दैट आर मिथाइल ग्रुप्स, एंड देन ट्राई अल्काइलेटेड, ठीक है, तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, एंड देन हमारे पास डाई अल्काइलेटेड अल्कीन्स हैं, एंड एट द एंड वी हैव ओनली मोनो अल्काइलेटेड अल्कीन्स। स्टूडेंट्स, ये हमें ट्रेंड जो है वो पता चल गया है कि डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टेबिलिटी को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो अल्कीन्स मोर स्टेबल होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द रीज़न। Because in alkenes, pi bonds remain in resonance due to hyperconjugation with weakly electron donating alkyl groups. अब students यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि basically जो हमने अभी ये हमने जो structure discuss किया है tetraalkylated alkenes का, तो अब इसका जो pi bond है ना, ये resonance में रहता है, means कि आपको इसी जगह पर नज़र नहीं आएगा, ठीक है, यानी कार्बन नंबर टू एंड थ्री के दरमियान में ही डबल बॉन्ड नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये रेजोनेट करेगा, थ्री एंड फोर के दरमियान में ये शिफ्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये शिफ्टिंग कैसे होगी ऑल दो कि यहाँ पे हमें कोई और डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें अल्काइल ग्रुप्स अपने सिग्मा बॉन्ड्स को पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेट करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको अगेन अंडरस्टैंड कर लें कि किस वजह से हाईली अल्काइलेटेड एल्कीन्स मोर स्टेबल होते हैं। बिकॉज इन एल्कीन्स पाई बॉन्ड्स रिमेन इन रेजोनेंस ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन विद वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स, सो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल टू द इलेक्ट्रोफाइल्स टू कैरी आउट रिएक्शंस। दैट्स वाई highly alkylated alkenes are more stable than and less reactive in nature. अब students, यहाँ पर जो double bond है two और three carbon के दरमियान में just localized नहीं रहेगा, बल्कि वो delocalized होता रहेगा, कभी वो three और four carbon के दरमियान में चला जाएगा, कभी वो ये जो हमारे पास substituents हैं उनके दरमियान में show होगा three और this substituent के दरमियान में two और ये सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट के दरमियान में शो होगा, कभी वन और टू कार्बन के दरमियान में चला जाएगा। तो ये जो डीलोकलाइजेशन है, तो इस वजह से जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी आना चाह रही है, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप आना चाह रहा है और वो अटैक करना चाह रहा है डबल बॉन्ड के ऊपर, तो उसको डबल बॉन्ड एक जगह पर लोकलाइज नहीं मिलेगा। इसकी वजह से रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाता, उसकी जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं। दैट्स वाई हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस हाइपर कॉन्जुगेशन टर्म को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं।
व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? इसकी डेफिनेशन ये है, द हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच टू एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड, जैसे कि एल्कीन्स में है, और टू एन एटम विद अनशेयर्ड पी ऑर्बिटॉल. ओके, ये एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है, बट हम जो है वो अपनी एल्कीन्स के केस में जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन देख रहे हैं विद पाई बॉन्ड. ओके, अब इसको इस डायग्राम के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर लें. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास, ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एक टेट्रा अल्काइलेटेड एल्कीन ड्रॉ कर लिया है, और इसमें हमारे पास जब ये पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेट करेगा, ये अगर पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए सेकेंड कार्बन पर, देन वी हैव कार्बन विद प्लस साइन. ओके, यानी अब ये हमारे पास एक कार्बोकैटाइन बन गया और एक जो है वो कार्ब एनाइन बन गया है. ठीक है, तो ये जो कार्बोकैटाइन है ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और इसकी हेल्प कौन करेगा? अब जो इससे अटैच्ड अल्काइल ग्रुप्स हैं, ऑल्दो कि इन अल्काइल ग्रुप्स के पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है हेल्प करने के लिए, डोनेट करने के लिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये अपना सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा बॉन्ड जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कार्बोकैटाइन की हेल्प करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोकैटाइन है आपको ये ब्लू फॉर्म में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसका जो ये पी ऑर्बिटॉल हैं ये वेकेंट हो चुके हैं, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन कार्बन पर शिफ्ट हो चुका है. ठीक है, एंड देन हमारे पास ये जो आपके पास सी एच बॉन्ड्स हैं जो sp3 s ओवरलैपिंग से बने हुए हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आके जो है वो इसके ऊपर शिफ्ट होगा. ठीक है, ओवरलैप करेगा और इस जगह पे जो है वो पाई बॉन्ड क्रिएट होगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, और जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये, क्योंकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, इसलिए फॉर सम टाइम एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, फिर आफ्टर सम टाइम जो है वो सेकेंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, देन थर्ड, और इसी तरीके से दूसरे अल्काइल जो है वो अल्काइल के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट करते रहेंगे. ठीक है, ताकि वो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो गई है उसको कंपनसेट कर सकें. ठीक है, जब वो इसको कंपनसेट कर सकेंगे बाय शेयरिंग द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट कर सकेंगे, देन हमारे पास क्या है कि ये हाईली अल्काइलेटेड एल्कीन जो है वो बड़ा ही स्टेबल फील करेगा. ठीक है, और जो है वो ये इसका जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में रहेगा. ठीक है, एंड देन ये फर्दर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी या इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. स्टूडेंट्स, अब आप मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर देख सकते हैं कि वैसे जब सिंपल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स ने जब मूव करना है तो वो इस तरीके से मूव करते हैं. ठीक है, लेकिन जब वो वेकेंट पी ऑर्बिटॉल को इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट करेंगे, देन वो जो है हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन की तरफ नहीं जा रहे. ठीक है, तो हाइड्रोजन एट दैट टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करेगा, एच पॉजिटिव फॉर्म में होगा. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं कि अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है तो ये सिग्मा जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन वी हैव शिफ्टेड पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा है, और इसमें हमारे पास नेगेटिव साइन भी है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, तो अगेन जो है वो मॉलिक्यूल अपनी दोबारा से नॉर्मल पोजिशन पर आ जाएगा, और इसी तरीके से ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन का. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट फैक्टर इज स्टीरियोकेमिस्ट्री. इसमें हमारे पास ट्रेंड क्या है कि ट्रांस एल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन्स, और ट्रांस एल्कीन्स को जो है वो हमने शो कर दिया, ये हमारे पास ट्रांस टू ब्यूटीन है और राइट साइड पे हमारे पास सिस टू ब्यूटीन है. तो ट्रांस का क्या मतलब है कि जब हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स जो होंगे सेम ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड पर होंगे ऑफ द डबल,
एंड सिस का क्या मतलब है कि व्हेन टू अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स इसकी रीजन देख लेते हैं. ड्यू टू रिड्यूस्ड स्टेरिक इंटरेक्शंस व्हेन आर ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड ट्रांसल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन सिसल्कीन्स. स्टूडेंट्स यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि ये जो बल्कि ग्रुप्स अटैच है जब ये ऑपोजिट साइड पर होंगे तो इनकी स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन जब वो सेम साइड पर होंगे तो स्टेरिक इंटरेक्शन की वजह से ये आपस में रिपल्शन शो करेंगे और बहुत ही अनस्टेबल होंगे और बहुत ही जल्दी रिएक्ट करेंगे. ओके, और जब ऑपोजिट साइड पर होंगे तो ये स्टेबल होंगे. ओके स्टूडेंट्स, द थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर दैट अफेक्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी इज कॉन्जुगेशन. अब हमारे पास ट्रेंड क्या है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड एल्कीन्स. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं. 1,3-pentadiene जो है वो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, वो मोर स्टेबल है, और 1,4-pentadiene जो है वो हमारे पास आइसोलेटेड एल्कीन है और वो लेस स्टेबल है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्जुगेशन का वर्ड समझ लें कि जब डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन पर होंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करेगी. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, तो ये अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट हैं. लेकिन यहाँ पर आपके पास डबल के बाद टू सिंगल्स आ गए हैं बॉन्ड एंड देन आपके पास डबल बॉन्ड आया है, तो दिस इज आइसोलेटेड. ठीक है, ये कॉन्जुगेशन नहीं हो रही यहाँ पर. तो स्टूडेंट्स बेसिकली अब यहाँ पर जब कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करेगी, मीन्स के अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, तो पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास रेजोनेट करेगा. ठीक है, वो आपके पास रेजोनेट करता हुआ आपको नजर आएगा. मींस कि यहाँ से फर्स्ट और सेकंड कार्बन से नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, ये नेक्स्ट पे. ठीक है, तो ये बेसिकली जो शिफ्टिंग हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, रेजोनेंस हो रही है पाई बॉन्ड की, इसकी वजह से जो है हमारे पास पाई बॉन्ड एक जगह पर लोकलाइज नहीं है. दैट्स वाई जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो उसको रिएक्ट नहीं कर पाता वो. ठीक है, पाई बॉन्ड्स जो है वो लोकलाइज नहीं है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता. दैट्स वाई जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स होंगी वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगी, क्योंकि उनके पाई बॉन्ड्स हर वक्त रेजोनेंस में होंगे. ठीक है, एंड नॉट अवेलेबल टू द इलेक्ट्रोफाइल. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप रीजन के पॉइंट्स नोट कर लें. बिकॉज इन कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड्स रिमेन इन रेजोनेंस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब पाई इलेक्ट्रॉन्स तो डीलोकलाइज होते रहेंगे, ठीक है, वो एक पोजीशन पर नहीं रहेंगे. सो द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल टू द इलेक्ट्रोफाइल टू कैरी आउट द रिएक्शंस. दैट्स व्हाई कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव इन नेचर. ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर इस जो रेजोनेंस हो रही है उस प्रोसेस को भी देख सकते हैं. ये हमने 1,3-pentadiene ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और इसमें ये जो है डबल बॉन्ड शिफ्ट होने वाला है. ठीक है, ये एरो आपको क्या शो कर रहे हैं, ये शिफ्टिंग हो रही है. ठीक है, और ये आपके पास जो है फोर्थ कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नज़र आ जाएगी, और फर्स्ट जो है कार्बन के ऊपर जो है हमारे पास सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, सेकेंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है. ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए हैं, और फोर्थ पे जो है वो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब यही जो है दोबारा से रेजोनेट करेगा स्ट्रक्चर, और अपने इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से उसी पोजिशन पर लेकर आएगा. ठीक है, अभी आपको दोबारा से पोजीशन नज़र आ रही है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस आपको जो है वो अब नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आप प्रॉपरली सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी पोजीशन पर आ गए हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द वे हाउ द पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट. ये हर वक्त रेजोनेट करते रहते हैं, इसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी आ रही है, उसको इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर ऑल द टाइम जो है वो अवेलेबल नहीं होते, इसलिए रिएक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और जो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस की वजह से. ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच.